बाकी गाइस आपको बता दूं भाई, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं भाई। डेविल किंग से सामने सामने सीधा सीधा फेस टू फेस अभी बात हो चुकी है सारी लीगल चीजों को लेके और सारी साइड वाली चीजों को लेके। भाई अब सारी चीजें सॉर्टेड है, सारी चीजें डन है, सारी चीजें ऑन द लाइन आ जाएंगी भाई, इन द ट्रैक आ जाएंगी। कुछ ही दिनों में निंजा 300 वापस आने वाली है फुल पावर के साथ, फुल पावर व्लॉग आने वाले हैं ग्रीन बीस्ट के ऊपर। लेट्स गो फॉर अ हाइपर राइड भाई। ये चेक करो भाई, दोनों साइड दोबारा से ट्रैफिक ही ट्रैफिक। मैं बीच से निकल रहा हूँ भाई, बीच से घुस रहा हूँ भाई ट्रैफिक के बीच में। अब ये नहीं पता कहाँ पे स्टॉप लग जाएगी, कहाँ पे रुकना पड़ जाएगा, लेकिन जहाँ तक फ्लो जा रहा है वहां तक हम जाएंगे भाई। जब से प्लेंगर वाला भाई नहीं रुक रहा, मैं क्यों रुकूं भाई, मैं क्यों रुकूं। ये चेक करो टेम्पो कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ को निकल रहा है भाई, कहाँ को निकल रहा है। कुछ बंदे ना यार दिमाग घर पे रख के आते हैं, सिर्फ व्हीकल को लेके आते हैं भाई, जबकि उसके साथ साथ दिमाग भी चाहिए होता है भाई। दिमाग प्लस व्हीकल तभी अच्छी चलती है ना चीजें। गाइस ये चेक करो भाई साहब, तुम्हारा भाई बैठ चुका है फिलहाल अपनी ड्यूक की पीछे वाली सीट पे, और इतने टर्न जितने आज मैंने मारे हैं ना भाई राइड के दौरान, इतने मैंने जिंदगी में कभी नहीं मारे भाई। और ड्यूक की बैलेंसिंग चेक करो भाई, पीछे वाली सीट पे एक बंदा बैठा है, कहता है ना बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, फिट चल रही है, बिल्कुल सीधा चल रही है भाई। चाहे आधा घंटा लग जाए, चाहे एक घंटा लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, चाहे हवा में से निकालनी पड़े भाई, फ्लाईओवर कूदाना पड़ा, जाऊंगा तो यहीं से जाऊंगा भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। फाइनली आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ फ्रेश न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है, स्वागत है। और गाइस फाइनली आज के एक और न्यू फ्रेश व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सब, शाम के छोड़ो गाइस, रात के 10:46 पे ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा दिन ना इतना ज्यादा बिजी हो रखा है। किस मामले में आपको पता है भाई, जो अपनी निंजा 300 थी ना, काफी दिनों में से उसमें से ना यार ह्यूज प्रॉब्लम चल रही है, बड़े बड़े इश्यू चल रहे थे। सोच रहा एक बार आपको बैठ के आराम से चीजें बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है गाइस, हम लोगों ने डेविल किंग से अपनी बाइक की डिलीवरी ली थी आज से कुल लगभग मेरे हिसाब से 1.5 महीने पहले। इसी टाइम के चलते हैं भाई, उसमें ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। पहली बात क्या थी भाई, उसका कूलेंट लीक हुआ था चलते रोड पे सारे बाजार में। और भाई साहब तुम्हारे भाई को तो फिर टेंशन होनी थी, पहली बार इग्नोर कर दिया, लेकिन गाइस दूसरी बार फिर उसकी ब्रेक बिल्कुल जीरो होगी, ब्रेक पैड नए डलवाए थे, लेकिन उसके बाद भी भाई ब्रेक बिल्कुल लगनी बंद हो गई थी भाई, तो दूसरी चीज भी इग्नोर कर दी थी भाई। अब तीसरी चीज क्या हुई भाई, मेन जो चीज हुई थी भाई, इंजन में ना छोटी मोटी दिक्कत आ गई थी, यानी बहुत ज्यादा ह्यूज दिक्कत नहीं आई थी, ये ना हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ रह गई थी भाई डेविल किंग के ओनर के बीच में और अपने बीच में। और गाइस मैं आपको बता दूं भाई, जल्दी एक खुशखबरी भी आने वाली है, गुड न्यूज भी आने वाली है, क्या पता निंजा 300 आपके सामने आ जाए। वैसे आएगी तो सही, लेकिन आपको बता दो भाई जल्दी अपने बीच में अपना ग्रीन बीस्ट दोबारा से आने वाला है। और आपको ये बता दो भाई, एक सरप्राइज भी है, सरप्राइज क्या है जरा कमेंट सेक्शन में गेस कर दो, आप बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हर बंदे ने एक एक कमेंट करना है भाई आज की वीडियो पे। बाकी गाइस आपको बता दो भाई, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं भाई, डेविल किंग से सामने सामने सीधा सीधा फेस टू फेस अभी बात हो चुकी है सारी लीगल चीजों को लेके और सारी साइड वाली चीजों को लेके। भाई अब सारी चीजें सॉर्टेड है, सारी चीजें डन है, सारी चीजें ऑन द लाइन आ जाएंगी भाई, इन द ट्रैक आ जाएंगी। कुछ ही दिनों में निंजा 300 वापस आने वाली है फुल पावर के साथ, फुल पावर व्लॉग आने वाले हैं ग्रीन बीस्ट के ऊपर। एक सरप्राइज भी है, आपको आगे चल के बताऊंगा सरप्राइज क्या है। बाकी गाइस आपको बता दूं, ये छोटी सी वीडियो शूट इसलिए की थी क्योंकि कई लोगों को टेंशन होगी भाई कि अपनी निंजा जो हम लोगों ने उसकी डिलीवरी ली थी, नई बाइक थी, वो सही सलामत है नहीं है। लेकिन अभी वो सही सलामत है, बढ़िया कंडीशन में है, ठीक हो रही है, रिपेयर हो रही है। और आपको बता दूं गाइस, एक छोटा सा आपके लिए मोटो व्लॉग बनाया है KTM ड्यूक 250 पे, तो पहले जाके उसको एंजॉय करो, मिलता आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। चलो भाई लेट्स गो फॉर इट, करो एंजॉय। साथ में ड्यूक आपके सामने खड़ी है भाई, ये अलग ही चीज़ है भाई, इसको देखता हूँ ना जितनी बार भी मुझे भाई अलग टाइप की ना पावर की वाइब्रेशन आती है। फिलहाल भाई को कर देता हूँ ऑन, मीटर बिल्कुल सिंपल सा है, जिसको कहता है ना बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जेनुअल। और भाई सब जो भागती है ना भाई ड्यूक, ये अलग ही पावर से चलती है, पेट्रोल हल्का सा कम है, फटाक से जाएंगे पहले पेट्रोल स्टेशन पे, फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल भरवाऊंगा बाइक में, क्योंकि उसके बिना भाई जिसके एक्सपीरियंस है ना भाई, जिसकी पावर है थोड़ी सी लैग करती है। और वैसे तो भाई अलग ही लेवल की कमाल की बाइक है। फिलहाल हम लोग बैठ चुके हैं भाई मस्त करके KTM ड्यूक 250 पे, अपने काले प्लस वाइट कलर के घोड़े पे। निकालता हूँ इसको, बैक करता हूँ, फ्यूल भराते हैं, फिर निकलते हैं सिटी की तरफ। आज की राइड में धमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो फॉर अ प्रॉपर राइड भाई, ड्यूक की राइड पे निकलते हैं यहाँ से भाई फटाफट फटाफट। कोल स्टार्ट कर लूँ ना पहले,
भाई साहब इसने अलग ही कानों को सुन कर रखा है भाई, इसकी आवाज बड़ी खुशनुमा है भाई, खुश कर देती है। चलो निकलता हूँ मैं, ओके चलो कल की राइड रहेगी मंगलवार है ना। चलो सही है सही है। गाइस आपको पता है यार, भाई की ना छुट्टी कह सकते हो आप लोग, भाई सिर्फ मंगलवार के दिन ट्यूसडे के दिन फ्री होता है। तो हम लोग ना भाई जितना भी बाइक्स का लाइनअप है ना, कौन वो है, वो पूरा ट्यूसडे को निकालते हैं। और भाई साहब जो 7-8 बाइक चलती है ना भाई, R15 क्या, ड्यूक क्या, निंजा क्या, और साथ में एक अपनी हस्क्वर्ना क्या, भाई सब लोग ना हैंग हो जाते हैं यार। आपको पता है यार अपनी सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी सिटी है, और लोगों को देख के बड़ा मजा आ जाता है यार। लोग सोचते हैं भाई कहाँ से आ गए भाई इतने सारे एलियन एक ही फ्रेम में। भाई साहब वो अलग ही ना कलेश वाला सीन होता है भाई, कलेश वाला सीन होता है यार जब राइड पे निकलते हैं ना सारे भाई एक साथ में। भाई साहब जनाब खतरा खतरा सीन है। गाइस फिलहाल हम लोगों ने ना ड्यूक को डिवाइडर से मोड़ लिया है, और जरा आगे पड़ता अपना पेट्रोल पंप, जितने भी हैं 2-3 पेट्रोल पंप है बिल्कुल आगे पड़ते हैं फुआरा चौक से। सो फटाक से पहले पेट्रोल पंप पे चलता हूँ, एक डंडा भी पेट्रोल नहीं है यार। और आपको बताना यार बाइक को काम वाम लगे रहते हैं, पूरे दिन बाइक चलती है, ड्यूक चलती है, तो भाई राइड के टाइम पे ऑलमोस्ट पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो पहले जाता हूँ पेट्रोल डलवाता हूँ, उसके बाद खतरा मचा देंगे भाई सिटी में ना यार। चलो चलो निकलते हैं भाई आगे राइड को चक्कर। भाई पेट्रोल पंप आ चुके हैं अपना इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम, फटाक से पेट्रोल डलवाते हैं। भाई साहब पेट्रोल बड़ा कम है, ऐसा ना हो कि भाई सुपर बाइक को लात लगा के पेट्रोल पंप पे पहुंचाना पड़े। भाई अब तो अच्छी तरह पहुंच चुके हैं, इधर मुझे दिख नहीं रहे कोई अंकल पेट्रोल भरने के लिए। एग्जॉस्ट कहाँ से डलवा रखा, खुद ही डाल दिया भाई। ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन लिया था हरिद्वार से। बैंड पाइप के साथ? बैंड पाइप नहीं, बैंड पाइप अलग है, वो 1800 रुपए की है। हाँ हाँ। और भाई अपन से पूछ रहे थे यार एग्जॉस्ट कहाँ से लगाया, मैंने कहा खुद लगा लिया यार, क्योंकि यार इतनी छोटी छोटी चीजें होती है ना भाई, एग्जॉस्ट हो गया, इसका फिल्टर चेंज करना हो गया, इंडिकेटर टूट गया वो लगाना हो गया, लाइट लगानी होगी, हल्की फुल्की चीजें ना तुम्हारे बाइक को तुमको आनी चाहिए अगर आपके पास सुपर बाइक है। क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए भाई मिस्त्री के पास मैकेनिक के पास जाओगे तो वो भी मना कर देंगे भाई, तो ये चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए। बाकी अपना डी कैट सिस्टम है नीचे से, फुल सिस्टम नहीं है, फुल सिस्टम ज़्यादा लाउड हो जाता है, छोटी सी बैंड पाइप है, उसके बाद एग्जॉस्ट है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे पता यार मेरी ऑडियंस है ना भाई काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनको पता ही होगा। बाकी पेट्रोल मस्त करके भरवा लिया है, गैस आगे जा रही है भाई पुलिस की गाड़ी I-20 से आगे निकलते हैं। गैस आपको एक तो चीज़ बता दूं भाई, जो ट्रैफिक में से ड्यूक का निकलने का मजा ना भाई किसी बाइक में नहीं है, काफ़ी छोटी पड़ती है ड्यूक, आगे से सिर्फ लाइट है या तो मडगार्ड है, और भाई साहब हैंडल इतना चौड़ा है इसका यार निकालने में मज़ा आ जाता है भाई, वाइब आ जाती है कि हाँ कोई बाइक जा रही है तो उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि वो ड्यूक है भाई। ये चेक करो भाई साइड में से निकलती है तो पता लगता भाई बंदों को कि सुपर बाइक जा रही है भाई, अलग ही लेवल से जा रही है भाई। और इसकी कटिंग माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सबको झुकना पड़ेगा भाई साहब ड्यूक के आगे, क्योंकि भाई साहब जो कमाल चलती है ना भाई रोड में, तो यार जितना बचा कुछ ट्रैफिक है ना, वरना तो यार ड्यूक ऊपर से उड़ने को तैयार है भाई रॉकेट की तरह, अगर ट्रैफिक ना हो तो भाई ऊपर से भी उड़ने को बिल्कुल रेडी है भाई, बस सिर्फ हल्की सी रेस देनी है भाई, ये बिल्कुल रेडी रहती है 24x7 ना, इसका यही काम है भाई। ड्यूक का पावर चेक करो अभी, ये चेक करो भाई साहब पहले गियर में सभी को पीछे करने के लिए रेडी है भाई। फिर दोबारा से भैया रॉन्ग साइड आ रहे हैं भाई, रॉन्ग साइड वाले चलने वाले बंदे अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको पहले बता चुका हूँ। और माना यार निंजा को अपनी ड्यूक 250 पीछे नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बाइक की सिर्फ एक खासियत है भाई, मरते दम तक ना यानी रुकने तक, बंद होने तक, पेट्रोल खत्म होने तक भाई साहब इतनी तेज भागेगी ना, इतनी तेज भागेगी कि गायब हो जाएगी भाई, अपनी कोशिश पूरी लगाती है 100%, तो इससे ज़्यादा ना गाड़ी में आपको चाहिए क्या, बाइक में चाहिए क्या। ये चक्कर है तो भाई कितना रोंग कट मारा था ना टेम्पो वाला, अगर रुक जाता तो भाई अच्छी तरह बात करते, अच्छी तरह बात बताता भाई, बिना किसी इंडिकेटर के हॉर्न के कैसा मुड़ा जाता ना यार, पीछे से इतनी पावरफुल बाइक आ रही है और उनको पीछे देखना ही नहीं है भाई, उनको मुंडे से मतलब नहीं है, अगर उनको हमसे कोई मतलब नहीं है तो हमें भी उनके टेम्पो से क्या मतलब है ना भाई, लेकिन फिर भी देख के चलना चाहिए भाई, आगे पीछे देख के चलो, मिरर किस लिए है भाई, मिरर देखने के लिए है भाई। चलो निकलते हैं ना आगे, गैस जरा ये चेकआउट करो भाई, हम लोग तो मस्त करके भाई फ्लाईओवर पे तो आ चुके थे अपनी ड्यूक 250 को लेके, लेकिन आगे तगड़े वाला रश है भाई, गन्ने की ट्रेलियां गेहूं की ट्रेलियां मस्त करके आगे तक ब्लॉक करके खड़ी है भाई पूरी सड़क को ना,
अब ये चक्कर हो भाई, एक बस के कारण फ्लाईओवर से दो गाड़ियां पीछे जा रही है और मैं भी पीछे जा रहा हूँ भाई। कर लो कर लो कर लो कर लो, मैं मोड़ ही लेता हूँ भाई बाइक ना। और जनाब कभी मेरे साथ ना ऐसा हुआ नहीं है भाई, फ्लाईओवर पे चढ़ता हूँ तो भाई आगे जाके ना रास्ता कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, लेकिन आज मुझे अपोजिट लेना पड़ गया भाई। दो तीन गाड़ियाँ बैक जा रही थी एक बस के कारण, तो मैंने सोचा यार इस रास्ते से जाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ओवरऑल मुझे भी वापस टर्न लेना ही पड़ेगा भाई। ऐसे पड़िया भाई, पहले आगे जाने से अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ और किसी और रास्ते से निकल जाओ भाई, क्योंकि एक मंजिल पे जाने के, जगह पे जाने के चार चार रास्ते होते हैं भाई। तो दिमाग लगाओ और निकलो आगे, लेफ्ट चलेंगे फ्लाईओवर के नीचे से और निकालते हैं बाइक को भाई, खींचते हैं ना फुल पावर। फ्लाईओवर से नीचे आ चुके हैं भाई, ऊपर तगड़े वाला रश लगा है भाई। अबे यार नीचे भी ट्रैफिक है क्या? नीचे भी ट्रैफिक लग रहा है ना मुझे यार, सारे बंदे देखो कैसे तीतर बितर होके देख रहे हैं भाई अंदर की साइड पे, अंडर पास पे। क्या हो गया भाई अंदर? एक और ड्यू 250 गई है भाई। सही है यार, धमाल वाले सीन हो रहे हैं, लेकिन ये चेक करो ना, फ्लाईओवर के ऊपर भी भीड़ है नीचे भी भीड़ है। निकलूँ तो निकलूँ कहाँ से भाई? अब निकलता हूँ भाई बहुत तेज स्पीड में भाई, गोली की स्पीड में आ गए भाई। अरे यार फिर दोबारा से ट्रैफिक भाई, फिर दोबारा से भीड़, क्या चल रहा है भाई आज? अब हम नहीं रुकने के भाई, अब हम रुकेंगे नहीं भाई चाहे कुछ भी होता हो यार, हम लोग जाएंगे तो जाएंगे यहीं से, क्योंकि अब हमारी जिद होगी है भाई। बहुत सारे लोग अभी भी टर्न कर रहे हैं, लेकिन मैं टर्न नहीं करने वाला भाई। इको देखो यार, बंदों का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं भाई। दूसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ, अब फिलहाल टर्न नहीं करूँगा भाई, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आधा घंटा लग जाए, चाहे एक घंटा लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, चाहे हवा में से निकालनी पड़े भाई, फ्लाईओवर कूदाना पड़े, फ्लाईओवर कूदाना पड़े, जाऊंगा तो यहीं से जाऊंगा भाई। और इस टाइम पे निंजा होती ना भाई, पक्का मेरा डिसीजन कैंसिल हो जाता कि भाई निंजा को टर्न कर लो और रोड चेंज कर लो भाई डायरेक्टली। अभी दोबारा से भीड़ में आ गया हूँ भाई, दोबारा भीड़ में आ गया हूँ। भाई वो चक्कर हो भाई, कैसे देख रहे हैं ना मस्त करके। सही है यार, रिएक्शन बड़े मस्त है भाई ड्यूक पे। ये चक्कर हो भाई, सिर्फ एक ट्रेली के खराब होने की वजह से भाई साहब इतना भयंकर ट्रैफिक था यार आज के दिन पे, पूरा पुल ब्लॉक हो गया भाई, ऊपर से भी नीचे से भी भाई, ऐसा ही होता अपने यहाँ पे ना। चलो निकलते हैं अभी आगे, और आज भगवान का लाख लाख शुक्र है अपने पास निंजा नहीं है भाई। उस भाई को देखो कहाँ से ले गया, इसके ऊपर से चढ़ा के ले गया भाई, अलग ही चल रहे हैं भाई। चढ़ाने की जगह होती तो मैं भी चढ़ा लेता भाई ड्यूक को, लेकिन ये ऊपर नहीं चढ़ेगी भाई, बीच में अटक जाएगी। यहाँ चेक करो भाई, पुलिस भी आ रखी है ट्रैफिक को निकलवाने के लिए, पहले हम लोग निकलेंगे भाई। सही है सही है सही है सही है, चलो भाई निकलते हैं आगे, रोड चेक करो गाइस, काफी देर के बाद सुकून मिला भाई, पूरा रोड खाली हो गया यार। चलो निकलता हूँ आगे यार, डिवाइडर के बीच में से पीसीआर आ रही थी, मुझे लगता है यार थोड़ी रुकवाना ले यार, दोनों हाथ छोड़ दिए थे मैंने फ्लो फ्लो में, अब जैसा भी होगा पता लग जाएगा, रुकवा लेगी तो बात कर लेंगे। बाकी आसपास ना मेरे चारों ओर पुलिस मंडरा रही है भाई, ये नहीं पता ट्रैफिक क्लियर करने के लिए मंडरा रही है या कैसे मंडरा रही है भाई। निकलते हैं आगे, ये चेक करो भाई आगे भी पुलिस वाले अंकल जी की बाइक चल रही है सायरन के साथ। चलो गाइस निकलते हैं आगे भाई आराम से, स्विफ्ट वाला कहाँ को आ रहा है भाई, उसकी लेन राइट साइड है, मुझे तो लेफ्ट से निकलने देता है यार। अब गाइस हम लोग निकलेंगे लेफ्ट हैंड साइड भाई, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता। ये चेक कर रहा था भाई कितनी लॉन्ग एंट्री थी यार गाड़ी की, एकदम से टर्न होगी, अब निकलते हैं ना आगे को। ये होती है ना बात गाइस, ये होती है बात भाई, जब 100 पे चलती है ना तब एक्चुअल मजा आता भाई ड्यूक का, ड्यूक के लिए ताली हाजिर है भाई। ये चेक करो टेम्पो कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ को निकल रहा है भाई, कहाँ को निकल रहा है। कुछ बंदे ना यार दिमाग घर पे रख के आते हैं, सिर्फ व्हीकल को लेके आते हैं भाई, जबकि उसके साथ साथ दिमाग भी चाहिए होता है भाई, दिमाग प्लस व्हीकल तभी अच्छी चलती है ना चीजें। गाइस ये चेक करो भाई साहब, तुम्हारा भाई बैठ चुका है फिलहाल अपनी ड्यूक की पीछे वाली सीट पे, और इतने टर्न जितने आज मैंने मारे हैं ना भाई राइड के दौरान, इतने मैंने जिंदगी में कभी नहीं मारे भाई। और ड्यूक की बैलेंसिंग चेक करो भाई, पीछे वाली सीट पे एक बंदा बैठा है और आगे से ड्यूक बिल्कुल कहता है ना बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, फिट चल रही है, बिल्कुल सीधा चल रही है भाई। इससे पता लगता है बाइक की अलाइनमेंट बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे है ना। चलो चलो
चलो गाइस बिना किसी टाइम लैग के आपको ड्यूक की कटिंग चेक कराता हूँ भाई। काफी टाइम के बाद मौका मिल पाया, सड़क हल्की हल्की ना चलने लगी है, यानी ट्रैफिक हल्का हल्का चलने लगा है। चलो भाई लेट्स गो फॉर अ हाइपर राइड भाई, ना बिल्कुल करेक्ट रॉकेट की तरह कि भाई साहब पैरों के नीचे से रॉकेट निकल रहा है भाई। ये चेक करो भाई दोनों साइड दोबारा से ट्रैफिक ही ट्रैफिक, मैं बीच से निकल रहा हूँ भाई, बीच से घुस रहा हूँ भाई ट्रैफिक के बीच में। अब ये नहीं पता कहाँ पे स्टॉप लग जाएगी, कहाँ पे रुकना पड़ जाएगा, लेकिन जहाँ तक फ्लो जा रहा है वहाँ तक हम जाएंगे भाई। जब स्प्लेंडर वाला भाई नहीं रुक रहा मैं क्यों रुकूँ भाई, मैं क्यों रुकूँ। ये चेक करो भाई टंकी कितनी सारी भर रखी है ना एक छोटे से टेम्पो में, ओवरफ्लो कर रखा है भाई टेम्पो। चलो गाइस निकलते हैं अभी ना, रोड खाली है भाई खाली, बट आगे चेक करो भाई ड्यूक के हाइपर चलने पे आया तो खतरा है खतरा। लीन चेक करो भाई सब रोड पे, क्या धमाकेदार लीन लग रहे हैं भाई सॉलिड वाले ना। काफी टाइम से ना तुम्हारा भाई ऑब्सेस हो चुका था ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक जाम भाई साहब, दिल बिल्कुल परेशान था, दिमाग बिल्कुल परेशान था। अब निकलते हैं आगे भाई, अब किसी को आगे नहीं छोड़ेंगे, हर किसी को पीछे लगा देंगे भाई। 3, 2, 1 लेट्स गो। ये चेक करो भाई क्रेटा और नेक्सन आपस में बजेंगी क्या, और फिर हमें भी बजाएंगी, इससे पहले हम लोग इनसे पहले ही आगे निकल जाते हैं यार। चलो 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 बीच में से, ये चेक करो भाई अंकल आ रहे हैं रॉन्ग साइड। गलती हमेशा भाई रॉन्ग साइड वाले की होती है भाई, सीधा साइड वाला तो आराम से चल रहा है चाहे तेज चल रहा है, रोड उसकी है यानी लेन उसका है, वो कैसे भी जा सकता है। बाकी अभी आगे निकलते हैं ना। लो गाइस जरा यहाँ चेक करो भाई, अपने ना कुछ पुराने सब्सक्राइबर मिले हैं जो कि अपाचे से बने थे, अपाचे को जानते हो ना, ऑरेंज कलर की बाइक थी है ना जिसपे आपका नाम था अश्विन नाम था। हाँ 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 वहाँ आगे लिखा था भाई, और इस साइड जब मैं आता हूँ ना ये भाई लोग मेरे को हर रोज मिलते हैं ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, अब मुझे ये बताओ अपनी आवाज सुनाऊं कि बाइक की आवाज सुनाऊं, मेरी आवाज भी सुरीली है तो भाई सुन लो बाइक की आवाज सुन लो भाई, बच्चे आए हैं तो बाइक की आवाज सुना देते हैं। चलो भाई सुन लो, एक नंबर भाई भाई सब एक नंबर। चलो बाय बाय। बाकी गाइस होप करता हूँ आज का व्लॉग आपने दिल से पसंद किया होगा, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई व्हीली हम लोग सीख रहे हैं साथ के साथ और उसको ट्राई भी कर रहे हैं, कैसी बज रही है, कम बज रही है, ज्यादा बज रही है, मीडियम बज रही है, और कोशिश भी करेंगे भाई ताकि लॉन्गेस्ट व्हीली मार सके। बाकी बी सेफ राइड सेफ, नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच, पीस आउट, मास्टर लवेश दारंग, कल मिलता हूँ नए व्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, लेट्स गो होम। चलो भाई निकलते हैं घर की तरफ।